सो हे गाइज, वेलकम बैक। आज है डे 6। आज का ब्रेकफास्ट आप लोग देख सकते हो। ब्रेकफास्ट की छोटी सी क्लिप इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग जिस होटल में रुके थे वहाँ पे ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता था। और आज हम लोग घूमने जाने वाले हैं, तो जिन्होंने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो और चलो चलते हैं। सुनो ना, आज शॉपिंग के लिए जा रहे क्या? हाँ, आज शॉपिंग के लिए जाएंगे। इंडिया से बहुत लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि आप लोग दुबई गए हो तो छोटे भाई बड़े भाई के दुकान पे जाओ। तो छोटे भाई बड़े भाई के दुकान पे जाएंगे मीना बाज़ार में। यहाँ से मीना बाज़ार बहुत ही नज़दीक है, मैप पे मैं आपको दिखा दूँगा। 500 मीटर्स मीन्स यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट्स पे मीना बाज़ार है। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ यूरो जोन में भी जाएंगे और वहाँ पे छोटे भाई बड़े भाई की दुकान में आज जाएंगे और देखेंगे क्या ले सकते हैं। जो भी सस्ता हमको पड़ेगा वो चीज़ हम वहाँ से खरीदेंगे। तो चलो आज चलते हैं, छोटे भाई से मिलते आते हैं, देखते हैं छोटे भाई बड़े भाई मिलते हैं या नहीं मिलते शॉप में। उसके बाद में डे टू डे में भी जाएंगे, वहाँ पे भी शॉपिंग मतलब सस्ती होती है। और उसके बाद में 1 to 10 dirham करके यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है, जैसा हमारे तरफ बिग बाज़ार वगैरह है। बिग बाज़ार हमारे यहाँ तो वैसे भी कॉस्टली है, लेकिन जैसा हमारे यहाँ सेल लगता है 25 रुपये 50 रुपये वाला सेल, वैसा यहाँ पे 1 to 10 dirham ऐसा नाम का शॉप्स होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो वहाँ पर जाएँगे, वहाँ से भी कुछ शॉपिंग करेंगे। वहाँ से फिर हम रात को डाउ क्रूज़ हमारा आज डिनर है, वहाँ पे जाएंगे, गोल्ड सुख में जाएंगे। गोल्ड सुख में सबसे बड़ी जो अंगूठी है, रिंग, सबसे बड़ी रिंग है, वो भी देखेंगे। तो आज का भी शेड्यूल पूरा पैक है, आज भी हमको रात को 9, 10, 11 भी बच सकते हैं। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, ये है पूरा मीना बाज़ार का एरिया, आप लोग देख सकते हो। ये मलाबार गोल्ड है, ये तनिष्क है। आप जब भी गोल्ड परचेस करो इसी मतलब रेपूटेड दुकानों से करो, क्योंकि अगर आपको अगर इंडिया में जाके फिर उसको एक्सचेंज करवाना चाहते हो या बेचना चाहते हो तो कैसा है, आप लोग मतलब वहाँ पे एक्सचेंज या बेच सकते हो। तो तनिष्क भी अपने इंडिया में है, मलाबार गोल्ड भी है, तो ये लोग ट्रस्टेड है। तो ऐसे ट्रस्टेड दुकानों से ख़रीदो, यहाँ पे फेक वगैरह कुछ आपके साथ होगा नहीं, स्कैम वगैरह कुछ होगा नहीं। तो ये सब पूरा एरिया जो है ये मीना बाज़ार है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर हर चीज़ आपको अगर करेंसी भी एक्सचेंज करवानी है तो वो भी आप करवा सकते हो। तो हम लोग जा रहे हैं अभी जमजम मोबाइल, तो देखते हैं। यहाँ पे ना बहुत सारे एजेंट्स लोग खड़े होते हैं, देखो आपको बुलाएंगे, पूछेंगे आपको बैग्स चाहिए, परफ्यूम चाहिए, सनग्लासेस चाहिए, तो इन सब का कमीशन्स होता है। तो आप अगर इनके साथ जाते हो तो आपसे ये लोग मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और आपसे कमीशन लिया जाएगा। मतलब जो चीज़ अगर 10 रुपये की वो 12 रुपये में बेचेंगे तो 2 रुपये उनका कमीशन रहेगा। तो ये सब है, तो आप जहाँ भी जाओ खुद से जाओ, किसी के बोलने से या किसी के बुलाने से मत जाओ। ये देखो, ये एक मलाबार गोल्ड का और एक शॉप्स है यहाँ पे। हमने भी गोल्ड यहीं से परचेस किया था, यहीं से मतलब इनके जो ब्रांच है वहाँ से परचेस किया था। और यहाँ पे देखो लोग भी परचेस कर रहे हैं क्योंकि लोगों को भरोसा है। तो चलो चलते हैं जमजम मोबाइल और देखते हैं। तो ये वो गली है जहाँ पे जमजम मोबाइल्स की दुकान है। तो आगे जमजम ब्रदर्स का फोटो भी लगा है, तो देख लो आप लोग। वेट, आपने इंस्टाग्राम पे बहुत देखा होगा, बहुत फेमस है इनके वीडियोस वगैरह। ये देखो, फाइनली हम लोग जमजम मोबाइल तो पहुंच गए, लेकिन जमजम ब्रदर्स है या नहीं है ये नहीं पता हमें। तो चलो अंदर चल के देखते हैं। तो जमजम ब्रदर्स तो यहाँ पे अभी नहीं है, पता नहीं कितने बजे आते हैं। तो ओवरऑल है ये है जमजम मोबाइल, और जमजम ब्रदर्स तो यहाँ पे थे नहीं। और हमने मोबाइल की कॉस्ट पूछी तो यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा बता रहे, तो हम लोग यहाँ से फिर निकल गए। तो गाइस, यहीं पे जमजम मोबाइल्स के पास ही में सामने वाली गली में ये देखो सिटी चॉइस भी है, तो ये भी ट्रस्टेड सेलर है, मतलब यहाँ से आप लोग ले सकते हो। तो देखते हैं अंदर क्या प्राइस है, वहाँ तो हमने पूछी, यहाँ भी जाके पूछते हैं सिटी चॉइस। अकरम भाई की दुकान है ये, इनकी भी वीडियोज़ आपने देखे होंगे। तो इसके बाजू में ये शॉप है यूरोजोन, ये भी अच्छा शॉप है। तो आपको जब भी अगर परचेसिंग करना है तो आप ये 2 शॉप में से कर सकते हो, 3 शॉप में से कर सकते हो, यूरोजोन, सिटी चॉइस
और जमजम, तो ये थोड़े ट्रस्टेड सेलर है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे यूरोजोन है और इधर सिटी चॉइस है। तो देखते हैं अभी कहाँ से हम लोग परचेसिंग करते हैं, चलो चलते हैं। तो हम लोगों ने तीनों शॉप्स में मतलब रेट्स कंपेयर किए, तो सिटी चॉइस में हमको रेट कम लगे क्योंकि जमजम में तो बहुत ज़्यादा रेट्स होते हैं। मैंने देखा आप लोग बोलते हैं कि मतलब वहाँ पे अल्ट्रा मैक्स वॉच गिफ्ट वगैरह करते हैं, लेकिन भाई वहाँ पे फ़ोन्स के रेट्स भी ज़्यादा होते हैं। मतलब हमने जो 14 प्रो मैक्स लिया उसमें कम से कम 200 से 300 दिरहम हमारे ज़्यादा जा रहे थे जमजम मोबाइल्स में, तो हमने वहाँ से परचेस नहीं किया, हम लोग वहाँ से निकल गए। और सिटी चॉइस और यूरोजोन दो शॉप्स में रेट ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 30 या 40 दिरहम का डिफरेंस था, लेकिन फिर भी हमने सिटी चॉइस से ही लिया क्योंकि सिटी चॉइस में हमने थोड़ी बार्गेनिंग की, तो उन्होंने 50 दिरहम हमारे लिए और कम कर लिए। तो आप लोग देख सकते हो भैया अभी मतलब हमारा पासपोर्ट वगैरह लेके डिटेल्स लेके हम लोगों ने फिर भैया ने हमारा बिल बनाया, तो आप लोग देख सकते हो पूरी प्रोसीजर। और बहुत ही अच्छा शॉप से अकरम भाई का बहुत दिनों से, आप लोग यहाँ पे जाके आराम से गारंटेड खरीदी कर सकते हो, मतलब आपके साथ फ्रॉड वगैरह कुछ होगा नहीं। तो हम लोगों ने भी यहीं से परचेस किया। और हाँ, चैनल को अभी तक के लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, जब भी मोबाइल परचेस करो एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वाला वीडियो बना लो, ताकि मतलब आपको कुछ फ्यूचर में कुछ दिक्कत नहीं आ सके। तो आप लोग आगे देखो, हम लोगों ने वैसा ही एक छोटा सा एक वीडियो बना लिया। कैसा लग रहा है एप्पल लेके? अच्छा लग रहा है। एप्पल यूज करेंगे तुम अभी? एप्पल गाइज 1,04,000 रुपये का फ़ोन है, 14 प्रो मैक्स, ठीक है यहाँ पे। और इंडिया में वही फ़ोन आपको दिख जाएगा, मैं फ्लिपकार्ट के प्राइस आपको दिखा दूँगा, ऑलमोस्ट 30-40 हज़ार का डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। मैंने 256 GB वेरियंट लिया है 14 प्रो मैक्स, तो वो तकरीबन बैट पकड़ के 1,04,000 के करीब कुछ हुआ है। तो अभी भैया बिल बना रहे, और बिल बनाने के बाद हम लोग एक छोटा सा अनबॉक्सिंग का क्लिप बनाएंगे। और भैया ने हमको वैट रिफंड का स्टिकर वगैरह, अभी बारकोड आता है, पहले स्टिकर आता था, तो बारकोड उसी में बिल में इंक्लूड आता है, जो आपको 4% रिटर्न होता है। तो आप लोग देख सकते हो ये एक छोटा सा अनबॉक्सिंग, मतलब इसका सील वगैरह सब पैक है और मतलब बॉक्स ओपन हो रहा है। तो आप लोग जब भी मतलब परचेस करो दुबई से फ़ोन, तो एक ऐसी छोटी सी क्लिप बना लो, ताकि मतलब अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आए या फ़ोन में कुछ दिक्कत आए तो आप लोग सर्विस सेंटर में वगैरह एप्पल स्टोर पर जाके मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग देख सकते हो हमने भी एक छोटी सी क्लिप यहाँ पे मतलब बनाई अनबॉक्सिंग की, और भैया ने हमको कवर दिया उनके तरफ से फ्री में, और स्क्रीन गार्ड का वगैरह बोल रहे थे, लेकिन स्क्रीन गार्ड बहुत कॉस्टली बोल रहे थे, तो हमने स्क्रीन गार्ड फिर नहीं लगाया। पर्पल कलर ले लिया गाइस, कसा वाटत आहे फोन घेऊन? छान है, पैसे चांगले ना है, पैसे चांगले ना है, एक लाख इंडियन रुपीस में तिकड़े। सो गाइस, ये सिटी चॉइस का बिल, आप लोग बिल हमेशा कैरी करो ताकि कस्टम्स में वगैरह कुछ प्रॉब्लम ना आए, और वैट भी हमको रिफंड मिला है, वो आने वाले वीडियो में आपको दिख जाएगा। गाइस फाइनली हमने सिटी चॉइस से फ़ोन लिया है, ये आप लोग देख सकते हो। दो तीन दुकान में हम लोग यूरोजोन में भी गए थे और जमजम मोबाइल में भी गए थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा था, यहाँ पे हमने थोड़ी बार्गेनिंग की। भाई यहाँ पे हर जगह बार्गेनिंग होती है, आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा तभी आपको प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा। तो सिटी चॉइस में भी हमने थोड़ी बहुत बार्गेनिंग की, तो ओवरऑल वैट पकड़ के 2,020 दिरहम कुछ में हमको फ़ोन पड़ा है, मतलब वैट तो हमको 4% रिटर्न मिल जाएगा, तो 4,000 हमको रिटर्न मिल जाएंगे, आपको इस बिल शो हो रहा होगा, तो 1,00,000 पकड़ के चलो, 1,00,000 का फ़ोन हुआ है। और वही फ़ोन इंडिया में 1,50,000 का, 1,40,000 का कुछ है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो।